हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में, यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे में आज हम डीसीए सेकंड सेमेस्टर चल रहे हैं, जिसमें डीटीपी का कोर्स चल रहा है। और डीटीपी में हम यहां पर आज डे 5 यानी कि 5 वीडियो शुरू होने वाली है। और इसके अंदर आज हम सीखेंगे डे 5 में, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाते हैं हम डे 5। इसमें सीखेंगे हम पेस्ट मल्टीप्लाई, पेस्ट मल्टीपल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, पेस्ट स्पेशल और एडिट स्टोरी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये फाइल है और इसमें हम ये एडिट मेन्यू का ऑप्शन सीखेंगे। तो पहला अंडू आप दिया है, सब जानते हैं अंडू क्या है। एमएस वर्ड में सिखाया था हमने, हम कुछ भी मिटा देते हैं। मान के चलिए ये फाइल आपके सामने खुली हुई है, मैं ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग लिखा है, क्लिक करके डिलीट की दबाऊंगा तो ये मिट जाएगा, तो ये हट चुका है। और मैं अंडू करूंगा तो ये वापस लौट के आ जाएगा। तो अंडू जो होता है, उस अंडू से हम कोई भी एक कदम पीछे चले जाते हैं। डू माने करना होता है और अंडू माने ना करना होता है, यानी कि जो आपने किया है उसको नहीं करना चाहते हैं तो आप अंडू यानी कि कंट्रोल जेड यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये अंडू का काम करेगा। इसमें कट कॉपी पेस्ट जो दिए हैं वही है जो ऑप्शन वर्ड में थे, कि आप इसे चुनने के बाद कॉपी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। और ये पेस्ट करेंगे तो ये दो कॉपी बन जाएंगी, और इसे कहीं भी मूव करके ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो कट पेस्ट कॉपी पेस्ट करना हमने एमएस वर्ड में सीख लिया था पहले से ही, तो वो ऑलरेडी हमको पहले से आता है। ये है क्लियर यानी मिटाने के लिए, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये पॉइंटर पर क्लिक करके चुनेंगे इसको और यहां से आप कर देंगे क्लियर, तो चुना हुआ ऐसा मिट जाएगा। अंडू कर देता हूं मैं। और यहां दिया हुआ है सेलेक्ट ऑल और डिसलेक्ट, ये क्या होता है, सेलेक्ट ऑल से पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाती है आपकी, पूरे पेज जो खिला देखिए, ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी हो गया और ये नीचे भी सिलेक्ट हो चुका है ये भी। तो हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं इससे, और डिसलेक्ट ऑल से चुना होगा वो डिसलेक्ट हो जाएगा यानी कि अचुना हो जाएगा। इसके बाद पेस्ट मल्टीपल जो ऑप्शन है वो काम का ऑप्शन है, कि आप कोई चीज कॉपी कर लेते हैं। मान के चलिए आपने ये ड्रैग हटा सकता हूं उनको साइड में, ये आपने कॉपी कर लिया है और कॉपी करने के बाद आप इसे एक से अधिक बार पेस्ट करना चाहते हो, तो एमएस वर्ड में ये ऑप्शन नहीं था। आपको बार बार पे पेस्ट करने के लिए बार बार पे कंट्रोल प्लस भी दबाना ही पड़ेगा, प्रेस करना ही पड़ेगा, बार बार पे आपको पेस्ट वो करना ही पड़ेगा। अगर हम यहां पे जाकर के इसको यहां से पेस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये बॉक्स आ जाएगा, और इस बॉक्स में दो ऑप्शन आते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, और ये कितनी बार पेस्ट करना है। मुझे करना है 10 बार पेस्ट, तो मैं यहां पर 10 लिख दूंगा। पेस्ट कॉपीज होती हैं 10 कॉपीज। हॉरिजॉन्टल स्पेस मतलब हो गया जब ये पेस्ट होगा तो हॉरिजॉन्टल कितना गैप होगा हॉरिजॉन्टल में, और ये है वर्टिकल ऑफसेट मतलब वर्टिकल में कितना गैप होगा। तो इसमें हम यहां पर हम चाहते हैं कि वर्टिकल गैप ना हो तो इसे जीरो कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल गैप हो ये चाहते हैं तो यहां पे कोई भी मान डाल देंगे। और जैसे क्लिक करेंगे ओके पे तो आप देखिए जिस साइड में सरकता हुआ बन गया, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, हमको साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार हम चाहते हैं नीचे आए, यानी कि वर्टिकल गैप तो हो लेकिन हॉरिजॉन्टल गैप ना हो, भी हॉरिजॉन्टल गैप हो गया ऐसे सरकता चला गया। तो मैं चाहता हूँ वर्टिकल गैप तो हो हॉरिजॉन्टल ना हो, तो कॉपी कर लेंगे इसको और पेस्ट स्पेशल पे जाके पेस्ट मल्टीपल पे जाके नंबर कितनी बार पेस्ट करना है वो डाल देंगे, और इसको जीरो कर देंगे और इसका साइज बढ़ा देंगे जो करना है 0.5, 0.7 या 1 इंच, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आप देखिए ये नीचे 10 बार पेस्ट हो चुका है। तो हम एक बार कोई चीज चुनने के बाद उसको बार बार पे पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा जो होता है वो पेस्ट मल्टीप्लाई के माध्यम से होता है। तो ये तो हुआ पेस्ट मल्टीपल का यूज। पेज मेकर में काम करने के लिए हाथ बहुत सदा होना चाहिए, हाथ सदा हुआ नहीं होगा तो आप इसे चुनेंगे तो ऐसे बढ़ जाएगा ऊपर ऊपर नीचे। ध्यान रखना हाथ सड़ना बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। अगला ऑप्शन दिया है पेस्ट मल्टीपल के बाद पेस्ट स्पेशल,
टेस्ट स्पेशल का यूज होता है कि हम किसी भी अदर सॉफ्टवेयर में का फाइल बनाएं और इसको ला करके यहाँ पेस्ट करेंगे फाइल मेकर में, तो फाइल लिंक हो जाती है। आप लोगों को याद हो तो मैंने एमएस वर्ड में ही बताया था कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है, लिंकिंग बनाने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग का सिद्धांत लागू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए सीखते हैं इसको अपन। यहाँ पे हम पहले कोई एमएस पेंट ओपन कर लेते हैं और एमएस पेंट के अंदर कोई फाइल बनाते हैं, ठीक है। मैंने एमएस पेंट ओपन किया और मैंने यहाँ से कोई भी एक ड्राइंग ले ली और इसको मैंने बना करके कॉपी किया और बंद कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट स्पेशल कर दिया। तो बॉक्स सामने आ गया, बॉक्स में कुछ नहीं करना आपको, आपने पेंटिंग में मंगाई तो पेंट ब्रश लगा हुआ आ रहा है और ओके कर देंगे। जैसे ओके करते हैं फाइल यहाँ पे आ जाती है। अब ये फाइल एमएस सॉरी पेज मेकर में तो आ गई है, तो पेज मेकर में आने के बाद अगर मैं इसको पेस्ट करता, अगर मैं इसे देखो पेस्ट करता तो भी आ जाती ये फाइल आपकी लिंक नहीं है, और जो मैंने मंगाई है पेस्ट स्पेशल से वो लिंक हो जाती है। अब इस पर करेंगे डबल क्लिक, एक दो, तो देखिए ये फोटो खुल गया। और यहां पे आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, कुछ भी चेंजिंग करेंगे आप और बंद करेंगे इसे, तो वो चेंजिंग यहां पे भी हो जाएगी। तो ये पेस्ट स्पेशल के माध्यम से हो पाया है कि हमारे फाइल जो हमने कॉपी करके ले गए थे पेज मेकर में वो लिंक हो गई। अगर हम सिंपल पेस्ट कर लेते हैं तो वो लिंक नहीं होती है, ये अपन ने एमएस वर्ड में सीखा था अच्छे से, और फिर एक्सेल में ये एमएस फाइल मेकर में ये हमने यहाँ पे सीख लिया कि पेस्ट स्पेशल से क्या होता है। किसी भी अदर सॉफ्टवेयर की फाइल को कॉपी करेंगे और पेज मेकर में पेस्ट कर देंगे, पेस्ट स्पेशल कर देंगे, तो ये फाइल यहाँ पे लिंक हो जाएगी। जिसको डबल क्लिक करते ही हम इसके मेन सॉफ्टवेयर पर पहुंच जाते हैं और वहां जो चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा पेज मेकर में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना, पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करना। अगला ऑप्शन दिया है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन भी इसीलिए होता है, हम पेंटिंग में गए और चीज कॉपी करी बना करके पेस्ट किया, टाइम लगा, लेकिन हम पेंटिंग में जाना नहीं चाहते हैं, हम यहीं पर रहते हुए पेंटिंग ओपन करना चाहते हैं, तो इसके लिए होता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इससे भी काम हो चुका, हम पेस्ट स्पेशल से हो रहा था, लेकिन पेस्ट स्पेशल में हमने कॉपी की पेंटिंग में जाके और वहां से यहां पेस्ट किया तब वो आगे काम करा। लेकिन आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी ओपन नहीं करना, ना ही आपको पेंटिंग ओपन करना है, बस यहां क्लिक करेंगे ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद यहाँ से आप बिटमैप इमेज पेंटिंग को बोलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए हैं, लिस्ट दी हुई, किसी को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो बिटमैप इमेज ओपन किया, यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑप्शन दिया है, एक दिया है क्रिएट फ्रॉम, क्रिएट न्यू नई फाइल बनाने के लिए होता है कि आप पेंटिंग ओपन करके नई फाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर पेंटिंग चल लो, ओके करें, पेंटिंग खुल जाएगी, नई फाइल बना लो, पर बनी हुई फाइल ऑलरेडी है तो उसे आप क्रिएट फॉर्म फाइल पर क्लिक करेंगे और ब्राउज करके फाइल को चुन लेंगे, फाइल कहाँ पे सेव है आपकी, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, कहाँ पे सेव है आपकी, वहां से आप इसे ओपन कर पाएंगे। कोई फाइल खोल लीजिए, ओके कर दीजिए, तो फाइल डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ फाइल को डायरेक्टली मंगाना, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गए, लिंक करना चाहते हैं लिंक कर दो और ओके कर दो, तो लिंक हो जाएगी फाइल। ये मतलब इमेज वाली फाइल नहीं थी इसलिए नहीं आ पा रही, आप इसमें जाएं, बनी हुई फाइल लेके आनी है, तो क्रिएट फॉर्म फाइल ब्राउज करें और चुन लीजिए आपकी फाइल कहाँ सेव है, चुनने के बाद ओके करेंगे और यहाँ से आप लिंक कर देंगे। और बनी हुई फाइल है तो, और नहीं बनी हुई फाइल तो आप क्रिएट न्यू पे जाके यहाँ क्लिक करें बिटमैप पर और ओके कर दें, तो पेंटिंग ओपन हो जाएगी। इसको आप इतना बड़ा चाहते हो उतना बड़ा कर लीजिए और अपने हिसाब से कोई भी ड्राइंग बना लीजिए, और बनाने के बाद आप इसमें कोई भी कलर वगैरह भरना चाहते हैं भर दीजिए कलर वगैरह, और ये बंद करेंगे तो देखिए ये फोटो यहाँ पे आ गया। मैंने कॉपी नहीं किया, बिना कॉपी किया आया, डबल क्लिक करेंगे पेंटिंग ओपन हो जाएगी, कुछ भी करें यहाँ पे जो आपको काम करना है, बंद करो तो यहाँ पर भी ये ब्लू हो जाएगा।
कभी कभी आपको चेंजिंग दिखाई नहीं देगा, तो आप यहाँ से इसको फिट स्क्रीन से क्लिक कर देंगे तो वो कलर दिखाई नहीं लग जाएंगे आपको, कई बार ऐसा होता है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो न्यू फाइल बनाने के लिए पूछा जाएगा, फ्लैटर खुल जाएगा, नई फाइल बनाएंगे और बस जैसे शटर बंद करेंगे तो फाइल पेज में आ जाएगी, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और बनी ही फाइल ऑलरेडी है आपके पास तो आप क्रिएट क्रोम फ्रॉम पे जाकर के ब्राउज करके फाइल ओपन कर लेंगे, कहीं भी जाके सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, जिसमें भी आपके ड्राइव में फाइल है, डेस्कटॉप पर है, पिक्चर में है, जहाँ भी है वहां से आप चुन के, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पर है, डबल क्लिक करें, देखिए इस पर पीडीएफ फाइल दी हुई है, तो कोई भी फाइल चुन लेंगे अपन और चुन के ओके करेंगे और ओके करके यहाँ पर लिंक पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे तो वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी और लिंकिंग का काम हो जाएगा। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो ओएलए का सिद्धांत अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लस एमएस वर्ड के अंदर भी इंसर्ट ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन था, मैंने वहां पर आपको सिखाया था अच्छे से, आप चाहें तो हमारी एमएस वर्ड की वीडियोस में जाकर अच्छे से और देख सकते हैं। हालांकि वहां पर भी वही बताया जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वही सब कुछ पेस्ट स्पेशल में आपका कुछ नहीं, पेस्ट स्पेशल में मैं तो बता दिया अभी आपको, आपको पेंटिंग में जाना है, कॉपी करनी है फाइल या पेस्ट करना है पेस्ट स्पेशल, तो भी ये फाइल लिंक हो जाती है आपकी पेज मेकर से। अब अगर बचा आपका एडिट स्टोरी वाला ऑप्शन, तो ये इसलिए होता है दोस्तों कि आप जब किसी पैराग्राफ में टाइपिंग कर लिया आपने और इसमें आप देख रहे हैं ये स्टोरी ब्लॉक है, मैंने पहले ही बताया था कि जो पैराग्राफ चुनते हैं उसमें लाइन आती है ऊपर नीचे, ऊपर होता है अपर हैंडलर, नीचे होता है लोअर हैंडलर, तो ये स्टोरी है पूरी ब्लॉक, इस स्टोरी ब्लॉक में अगर जिस तरह आ रही है एरो बना हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ दबा है मैटर, तो उस तरह क्लिक करके ऐसे नीचे अलग से इसे कर सकते हैं। अगर आपको ये एरो पे क्लिक कर देंगे एक बार और ऐसे करेंगे तो देखिए दो अलग अलग स्टोरी बन चुकी है, तो इसमें इस स्टोरी के नीचे प्लस बन के आ रहा है जो ये बता रहा है कि इस स्टोरी का निचले भाग में कुछ मैटर है जो किसी और स्टोरी में है, ऊपर के हैंडलर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि स्टोरी यहीं से स्टार्ट हो रही है। और यदि ऊपर के हैंडलर में प्लस बन के आता है तो इसका मतलब ये है कि ये किसी और स्टोरी का भाग है जिसका भाग ऊपर की किसी स्टोरी में है, जैसे इसका निचले स्टोरी में है और ये इसमें है निकला है तो इसका भाग इसमें है, तो ये किसी ऊपरी स्टोरी भाग ऊपरी स्टोरी का भाग है। और जब किसी निचले स्टोरी में हैंडलर में कुछ भी नहीं आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मतलब इस स्टोरी की एंडिंग यहीं पर हो चुकी है। अगर इसमें ऐसे प्लस एरो बन के आता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी अभी दबी हुई है कुछ मैटर, उसको हम सरकार के ड्रैग करके पूरी खोल के देख सकते हैं कि इसमें क्या है। तो ये स्टोरी के बारे में हुआ, अब स्टोरी को एडिट कैसे करते हैं, तो स्टोरी एडिट करने के लिए आपको उस स्टोरी को चुनना है, चुनने के बाद एडिट मेनू में जाना है और यहाँ से कंट्रोल ई ऑल्ट ई या एडिट स्टोरी पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे या फिर एडिट स्टोरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एकदम बदलाव सा आएगा, देखिए स्क्रीन कैसी हो गई, लेआउट चेंज हो जाता है। इस लेआउट में आपको कुर्ती दे फॉन्ट जो होता है हिंदी वाला वो दिखाई नहीं देगा, बस इंग्लिश के फॉन्ट ही दिखाई देंगे। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप ऊपर देखेंगे ये एडिट स्टोरी नाम का एक मेनू आ गया है, जब इस पर अपन लेआउट पे थे तो स्टोरी नाम का ऑप्शन यहाँ पर नहीं था, लेकिन जब एडिट स्टोरी में आए, जब अपन एडिट स्टोरी में आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर स्टोरी नाम का एक मेनू बढ़ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्टोरी से क्या होगा कि आप इसमें कहीं पर न्यू स्टोरी बनाना चाहते हैं तो न्यू स्टोरी पे बना सकते हैं इसे, ठीक है। कंट्रोल ई दबा दीजिए या कंट्रोल डब्ल्यू कुछ भी दबा दीजिए और क्लोज स्टोरी से स्टोरी क्लोज होती है, कंट्रोल डब्ल्यू। डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपको जहां जहां आपने एंटर मारा होगा वहां वहां पैरा बिहार है कहाँ कहाँ पर इसका पैराग्राफ है, ठीक है। और ये है आपकी स्टाइल, डिस्प्ले स्टाइल नेम, तो आपने यहाँ पर इस वाले भाग को कैप्शन स्टाइल दिया है तो लिख के आ रहा है कैप्शन, इन दोनों को कोई भी स्टाइल नहीं दी है तो कुछ भी नाम लिख के नहीं आ रहा है, और इसको हमने दिया है कैप्शन स्टाइल तो यहाँ पे कैप्शन लिख के आ रहा है। तो किसी भी स्टोरी का नाम देखना है कौन सी स्टाइल है तो सेम स्टाइल यहाँ पे क्लिक करके हट जाता है बॉक्स, यहीं से जो डिस्प्ले बाहर आ जाता है जहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सी स्टोरी को कौन सी स्टाइल हमने दी है। और इस स्टोरी जो चल रही है अभी इसे बोलते हैं एडिट स्टोरी मोड,
इसी मोड में हम काम करते हैं, इसी मोड में अपन एडिटिंग करने का काम करते हैं, और इसी मोड में हमको सिर्फ इंग्लिश फॉन्ट दिखाई देंगे, हिंदी फॉन्ट दिखाई नहीं देंगे दोस्तों। और इसी फॉन्ट में, इसी मोड में आप देखेंगे यूटिलिटी में फाइंड, चेंज और स्पेलिंग नाम के ऑप्शन चालू हो गए। जो ऑप्शन बंद थे अब ये ऑन हो गए हैं, इनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। हालांकि फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि एरर स्टोरी मोड में कैसे जाते हैं इस प्रकार से, और यहीं से अपन एरर स्टोरी मोड से हटते हैं और जाते हैं, यानी कि कंट्रोल ई दबाएंगे चले जाएंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे दोबारा लौट के आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, डिसलेक्ट ऑल, पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट और एडिट स्टोरी। इतना हमने सीखा। और आज की वीडियो में हमने स्टोरी के बारे में सीखा, स्टोरी क्या है, इन्हें कैसे कट कॉपी करते हैं वो सीखा, हैंडलर वगैरह क्या होते हैं, हैंडलर में किसका क्या यूज है, एरो आता है उसका क्या यूज है, सब हमने यहाँ पर सीखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमसे जरूर चीज़ें पूछिएगा। एक चीज़ और दोस्तों, हमारे एक स्टूडेंट हैं सचिन, जिन्होंने पूछा है कि सर ये नॉन प्रिंटिंग आइटम क्या होते हैं। तो ये जब प्रिंट में जाते हैं तो यहाँ पर नॉन प्रिंटिंग आइटम लिख रहा है इग्नोर। क्या होता है कि ये घरी आपको लाइन ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होती है, ये प्रिंट नहीं होती है लाइन, ये नॉन प्रिंटिंग आइटम है। पर हम चाहते हैं कि इग्नोर हो जाए, यानी कि जब हम इसे प्रिंट करें तो नॉन प्रिंटिंग आइटम भी प्रिंट हो। तो इसके लिए हम यहां पर जाकर इस पर टिक कर देंगे तो नॉन प्रिंटिंग आइटम भी प्रिंट हो जाएंगे, जो आइटम नॉन प्रिंटिंग है प्रिंट नहीं होने हैं वो भी प्रिंट हो जाएंगे। तो इसलिए इसको हम हमेशा हटा के रखते हैं ताकि ये लाइनें वगैरह प्रिंट ना हो, ये नॉन प्रिंटिंग आइटम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि कौन कौन से आइटम प्रिंट करने हैं, कौन से आइटम प्रिंट नहीं करने हैं, और यहाँ पर अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।